अब मैं मोमोज की चटनी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लाल मिर्च को लिया है, ये 3 घंटे पहले मैंने भिगो लिया था। अब इसे हम बॉयल भी कर सकते हैं, मैंने इसे भिगोया हुआ है। और ये मैंने 1 लहसुन को लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और ये 3 टमाटर है जिसे मैंने काट लिया है, और ये 2 चम्मच नमक है, ये मैगी मसाला है। चलो अब मैं मोमोज की चटनी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने मिक्सर जार को ले लिया है, मैं इसे डाल दूँगी इसमें। देखो मैंने इसमें टमाटर को तो डाल लिया है, देखो मैं इसे लहसुन को डाल, मैंने टमाटर को, लहसुन को और लाल मिर्च को, इन सबको ना मिक्सर जार में डाल लिया है, मैं इसे पीस लूँगी। देखो मैंने इसे पीस लिया है, मैं इसे कढ़ाई में डाल के इसकी सॉस बनाने जा रही हूँ। देखो मैं सॉस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को रख लिया, मैं इसे इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। देखो ऑयल गरम हो गया है, देखो जो मैंने टमाटर वगैरह उसको पीसा था मैं इसे डाल दूँगी इसमें। देखो मैंने इसे डाल दिया है, अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, अब मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर डाल दूंगी, अब मैं इसमें मैगी मसाला डाल दूंगी क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। देखो हमारी चटनी बनके रेडी हो गई मोमोज की। मैंने इसे कढ़ाई में से निकाल लिया चटनी को,